हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 13, बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कितने तरह के डायमेंशंस होते हैं और उन डायमेंशंस के अंदर क्या क्या होता है, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल 5 टाइप्स के डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। ये पांचों एनवायरमेंट क्या करते हैं, हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए इन बिजनेस एनवायरमेंट को हम कहते हैं जनरल एनवायरमेंट भी। ये पांचों एनवायरमेंट है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, ना कि बस टाटा, बट रिलायंस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, बिरला को भी करेंगे, और भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल, DCM, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेस है, उन सबको इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए हम इसको जनरल एनवायरमेंट भी कह सकते हैं और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। फर्स्ट डायमेंशन है, फर्स्ट एनवायरमेंट है इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। इकोनॉमिक टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, इकोनॉमी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, हमारी किस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, जो कि आज के टाइम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, ये सब क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है हमारे बिजनेस को, हमारे कंपनीज को, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको अगर एनालाइज होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है या फिर पैसा कम है, तो वो क्या करता है, बैंक रेट को सेट करता है, ताकि मार्केट में कैसी सिचुएशन हो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो, सही सिचुएशन हो। तो बैंक रेट का मतलब क्या होता है, हमने बात करी कि ये मार्केटिंग कंडीशंस के अंदर जो देखता है कि फ्लो ऑफ मनी कैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ये बैंक रेट सेट होती है। तो जैसे ही RBI को पता चला कि मार्केट में ड्यू टू कोरोना वायरस क्या हो गया, मार्केट के अंदर जो परचेसिंग पावर है कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर उसने क्या करता है, जो बैंक रेट थी उसको डिक्रीज कर दिया। जैसे ही बैंक रेट को क्या करा, यहाँ पे डिक्रीज करा, तो कॉमर्शियल बैंक ने भी अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसकी, लोन की, उन्होंने वो डिक्रीज कर दी। जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करी, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो बिजनेस हैं, वो क्या है, इजीली लोन बोरो करने के कैपेबल हो गए, और वो क्या करने लगे, लोन को बोरो करने लगे। लोन को बोरो करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंज्यूमर्स उस पैसे से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। तो बैंक रेट भी क्या कर रहा है, हमारा इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का पार्ट होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, जो कि चेंज होने की वजह से बिजनेस को वो इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड चीज यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स रेट। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, ताकि बिजनेसेस को कम टैक्स पे करना पड़े और वो इजीली ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ये भी क्या कर रहा है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। डिफ्लेशन, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। ओवरऑल लोग सारे घर पे बैठे हैं, सारे जब लोग घर पे बैठे हैं, कोई काम पे नहीं जा रहा, तो किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही, किसी को भी वेजेस नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर जब कम हो रही है, तो जो कमोडिटीज है वो सेल नहीं कर पा रहे, कौन, बिजनेस, और उनको इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेशन, टैक्स रेट, बैंक रेट, ये सब किसके पार्ट होते हैं, हमारे इकोनॉमिकल एनवायरमेंट के पार्ट होते हैं, और वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट का मतलब सोसाइटी, मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके फ्रेंड किसी सोसाइटी में रहते हैं, वो सब क्या होता है, सोशल होते हैं। मैं मोटा का हूँ, ये मेरी सोसाइटी, आप कहीं के होंगे, वो आपकी सोसाइटी होगी। तो सोशल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशंस। मैं हिंदू समाज का, आप मुस्लिम समाज के, कोई मेरा भाई क्रिश्चियन समाज का, तो वो सब क्या है, समाज है। सबके समाज में क्या होता है, फेस्टिवल्स आते हैं। मेरे समाज में दिवाली आएगी, आपके समाज में ईद आएगी, किसी के समाज में क्रिसमस आएगा। तो फेस्टिवल्स के जब टाइम आता है, तो बिजनेस उस टाइम पे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि ईद आती, ईद आते ही क्या करा हम लोगों ने, ज्यादा क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करे, मिठाई परचेस करी, इधर से क्लॉथ परचेस करे। दिवाली आ गई तो हमने क्रैकर्स परचेस करे, मिठाई परचेस करी, और क्या करें, कपड़े परचेस करे हमने, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी वजह से क्या कहा जाता है, इसको सोशल एनवायरमेंट, यानी कि सोसाइटी भी क्या करी, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करे। इधर से आप सोशल ट्रेंड भी देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। सोशल ट्रेंड का मतलब क्या है, कि आज के टाइम पे,
आज के टाइम पे सारे इंडियंस सभी लोग प्रीफर करते हैं कि आप जितना पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ो, आप जितना पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि पढ़ाई ही सब कुछ है, तो लिटरेसी रेट बढ़ने लगे। लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ने लगा, लोगों को एजुकेशन हुई कि हेल्थ है तो सब कुछ है, तो हेल्थ इज वेल्थ। तो वो किस पर फोकस करने लगे, ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट पर जब वो फोकस करने लगे तो उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्रोडक्ट्स बनाने लगे। तो यहाँ पर है सोशल ट्रेंड्स, यानी कि ओवरऑल सोसाइटी के लोग बाग है, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो भी क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी जैसे कि हम बात कर लेते हैं कंपनी की, जैसे कि नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी क्या है, सबसे पहले उसने मार्केट में फीचर फोन क्या करा था, लॉन्च करा था। मैंने भी उसको यूज किया था काफी सालों तक। तो फीचर फोन जब उसने लॉन्च किया था, उस टाइम पे कोई दूसरी कंपनी ने फीचर फोन लॉन्च नहीं किया था। सबसे पहले उसने क्या था, बहुत ड्यूरेबल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, गिर भी जाता था बैटरी खुल जाती थी बट फिर वापस स्टार्ट हो जाता, तो बहुत अच्छा फोन था। बट क्या हुआ, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है दिन भर दिन। चाइनीज कंपनी ने टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट किया, इनोवेशन किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे, और क्या है, आज आप रियलमी देख सकते हो, आज आप एमआई देख सकते हो, और नोकिया का कहीं नाम नहीं। क्यों नाम नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिस कंपनी ने सही टाइम पे उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर लिया, वो आज सर्वाइव करेगी मार्केट में, बाकी सब क्या हो जाएगी, नॉकआउट हो जाएगी। तो वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि क्या होता है, ऑटोमेशन। आज का दौर कैसा है कि वर्कर्स हट रहे हैं, जा रहे हैं कंपनीज से, वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वर्कर्स हटते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, रोबोट्स आते हैं। वही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही क्या है, हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट, कोई कंट्री की गवर्नमेंट बिजनेस को क्या कर रही, सपोर्ट कर रही, उनकी मदद कर रही, कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रही, अच्छी उनको पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अच्छे एक्ट्स उनको प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेस क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो जिस तरीके की कंडीशन होगी इसकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, उसी तरीके से वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी गवर्नमेंट जैसे कि मोदी सरकार 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बिजनेस पे बहुत फोकस किया। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट करे, जैसे कि यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और इधर से हमारा मेक इन इंडिया, बहुत सारे उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करे जिसने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, किसमें, ग्रोथ होने में। तो जिस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन होगी, उसी तरीके से हमारा बिजनेस क्या होगा, इन्फ्लुएंस होएगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बट आज के टाइम गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो कैसा इन्फ्लुएंस हुआ है, नेगेटिव, क्योंकि वो आज लॉस भी कर रहे हैं। बट वो जो उन्होंने का डिसीजन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लॉकडाउन नहीं करते तो क्या हो जाती है, जो हमारा पेंडेमिक सिचुएशन है, महामारी की सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती थी हमारी पॉपुलेशन को, और बहुत सारे लोग मर सकते हैं, जैसे कि इटली, चाइना में मरे। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कोई भी कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। जैसे कि कंज्यूमर का हक ये कि हर एक प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग या उसकी डेट अवेलेबल होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट बना है, किस चीज़ों से बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी एमआरपी उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। ये क्या होते हैं, कंज्यूमर एक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हर एक बिजनेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर कोई भी बिजनेस इनको यूज़ नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, उस पर लीगल केस हो सकता है। तो वो लीगल केस क्या करेगा, हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा क्या, तो उसका क्या है, हमारा लीगल इन्वायरमेंट है। तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, अगर कंपनी रजिस्टर नहीं है, ऐसे ही फर्जी भी चल रही है, तो उस पर कोई भी पर्सन केस कर सकता है और उसको बहुत बड़ा जुर्माना दे सकता है, जिससे वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लीगल इन्वायरमेंट का। गवर्नमेंट ने
एक्ट बना रखा है कि जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, उस पर आपको क्लियरली मेंशन करना है एक मैसेज कि अगर आप इस चीज का कंजप्शन करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है, यानी कि रहता है ना मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा मेंशन होता है डायलॉग, सबने पढ़ा होगा, फिर भी सब पीते हैं मुझे पता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो कंपनी इसको यूज नहीं कर रही, इस टैग को नहीं यूज कर रही, तो वहां पर क्या होगा, इस मैसेज को नहीं दे रही, वहां पर कंपनी यानी कि जो गवर्नमेंट है उस कंपनी पे केस कर सकती है, लीगल केस कर सकती है, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने पढ़े कुछ 5 एनवायरमेंट जो कि बेसिकली सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, सारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। आज की वीडियो बस यहीं खत्म होती है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को एंड प्लीज वॉचिंग इस तरीके से कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अपने घर पर रहिए आराम से।